कहिए। आओ आओ, आ जा। क्या हुआ, पुलिस आई? हाँ, 11 बजे। किस राम राज्य में है आप? सबको धमकाया पुलिस ने और लाश लेकर चले गए। किसी से कुछ पूछा? किसी से कुछ पूछा? हाँ, पूछा था, कौन कहाँ है। हाँ। और फिर जिस तेजी से आए ना, उसी तेजी से चले गए। पुलिस के अलावा और कौन आया? निमाई नेता आए थे? अच्छा, आप तो घर के आदमी है ना? तो आप क्या समझते हैं कि खूनी कौन हो सकता है? दिल की बात बताऊं? हाँ। घर के किसी ने ये काम नहीं किया। अच्छा, आपको किसी पर शक है? हाँ, शक तो सभी पर है, लेकिन कुछ यकीन नहीं होता। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये काम वो दोनों जुड़वा भाइयों का ही है। अच्छा। हाँ, अरे घर के लोगों को अनादि बाबू को मार के क्या मिलेगा? हाँ। सब उसी की तो खाते थे, अब तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। खाने के लाले? हाँ। क्यों? वो मधुबाला पीछे पड़ी है, भगाना चाहती है। अच्छा, आप तो कह रहे थे कि आप अनादि बाबू की कुछ गुप्त बातें जानते हैं, चाहे तो उन्हें फांसी पर लटकवा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, नशे पत्ते में बग दिया हुआ, कुछ तो मैं जाता। अरे सुनिए तो सही, ना बताना चाहे तो मत बताए, मुझे क्या लेना देना उसमें। लेकिन आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। खाना? आप कह रहे थे ना कि वहाँ पे गड़बड़ है। हाँ। हाँ। आपके लिए कुछ रंगीन पानी का इंतजाम भी कर देंगे। नेकी और पूछ, कब आऊं, कितने बजे आऊं? 7:30 बजे आ जाइए, मैं ना भी रहूं तो पूटीराम सब बंदोबस्त कर देगा। हाँ? मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, आप ना भी आए तो भी चलेगा, मैं तो आ जाऊंगा। अच्छा, 7:30 बजे, 7 बजे आ जाऊंगा। अच्छा। हाँ, उधर नहीं, इधर इस तरफ। हाँ। जब तक इसके पेट में ना कुछ जाए, ये कुछ उगलने वाला नहीं गेस्टो बाबू है। एक दो आध बोतल का, एक आध बोतल का इंतजाम कर दोगे? हाँ, अच्छी बली लाना। अभी क्या टाइम हुआ? अभी तो 4 बजे। अभी 7 बजे। गेस्टो बाबू, ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो, क्या था ये? तीन बटेर मार दी। तीन बटेर मारे? अच्छा, कैसे मारे आपने? ऐसे ये गुड़म। अरे गुड़म गुड़म तो बंदूक की आवाज है, ये तो मैं जान गया, लेकिन ये क्या है? मतलब वो पंछी के प्राण पखेरु उड़ गए। चलो अभी आप भी उड़ जाइए। कहीं नहीं जाना, बस यहीं पे जमीन पर इस तरह लड़खड़ाई मत। हाँ, आराम से। यहाँ 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 पीछे बैठिए। अरे आराम से। ठीक है गेस्टो बाबू। अरे चिड़िया तो मार ली है, कभी आदमी मारा है? अरे घबराइए मत यारो दोस्तों, में क्या शर्माना। आपको बताऊं, मैंने भी तीन तीन लोगों का खून किया है। अरे पूछ लीजिए अजीत बाबू से। हाँ। मैंने तो नहीं मारा, लेकिन गिरोह में था। अनादि बाबू। अच्छा, ये अनादि बाबू को आप कितने दिनों से पहचानते हैं?
मैं बचपन से जानता हूँ, हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हाँ। मैं बहुत अच्छा था। आप बहुत अच्छे हैं। ये अनादि बदमाश था, मेरे को बिगाड़ दिया मेरे को। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो क्या फिर हो गए कि किसी की साइकिल चुरा ली, किसी की क्या किताबें चुरा ली स्कूल में। हाँ, फिर हाँ हमको स्कूल में से निकाल दिया। और फिर वो लड़ाई का जमाना आया ना, हम फिर फौज में चले गए। फौज में भर्ती हो गए? हाँ। क्या किया वहाँ? फिर हमने वहाँ पर गोली चलाना सीखी। गोली चलाना सीखी। हाँ, और फिर क्या हुआ कि वो लड़ाई वगैरह खत्म हो गई तो हम फिर मैं मेरे को करीबन पाँच साल के बाद में बिहार में मिला। वहाँ पर एक मारवाड़ी था, बहुत पैसे वाला, तो हमने दोनों ने मिलकर उसका खून कर दिया। दोनों ने मिलकर? हाँ, हमने उसका खून कर दिया, उसके सब पैसे बटोर लिए। हाँ, और फिर गाड़ी पकड़ी। तो ये जो था ना, ये अनादि ये एक डिब्बे में चढ़ गया और मैं दूसरे डिब्बे में चढ़ गया। उसके बाद में मिला ही नहीं मेरे को सब। अच्छा, पैसे लेकर भाग गया। हाँ, बेईमान साला। अच्छा। लेकिन वो खून उसी ने के, 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 के किया था। हाँ। उसके उंगलियों के निशान भी मिले पुलिस को। मैं अगर वो पुलिस को पता बता देता ना तो या अंदर हो जाता। हाँ, और अच्छा। फिर मेरे को मिला ही नहीं। फिर अभी दो साल पहले मिला कि देख, मैंने अगर पुलिस को बता दिया तो तू अंदर हो जाएगा। और क्या कहा? तो वो क्या बोला कि नहीं, तो मेरी भी हालत बहुत खराब थी, तो मैंने क्या बोला उसको कि देख मेरे खाने में पीने का इंतजाम तू करता हो तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, तो तब से मैं उसी के साथ में हूँ, क्योंकि खून की बात कभी बंद नहीं होती ना। बंद नहीं होती? हाँ, बंद नहीं होती। कभी बंद नहीं होती खून की बात? हाँ, ये तो जानते हैं ना, खून की बात कभी बंद नहीं होती। क्या फोन की बात कभी बंद नहीं होती? अरे, केशव बाबू कहाँ चले गए? कल रात जो पीकर नशे में उगल पड़े, सुबह एहसास होते ही भाग गए। किसे चिट्ठी लिख रहे हो? ये लो पढ़ो। प्रिय रमेश, इतने दिनों बाद मेरी याद भी है या नहीं? हम इकट्ठे कॉलेज में थे। कॉलेज में मुझे शर्लॉक होम्स कहते थे। नृपेन दत्त नाम का एक शख्स है, उसे पता चला तुम अपने गांव में ही हो। नृपेन तुम्हारे गांव का ही है, तुम क्या उसे पहचानते हो? तुम्हारे ही पड़ोस का लड़का है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। कलकत्ता ज़रूर आते जाते रहते हो, अगली बार आ जाओ तो ज़रूर मिलना। पता लिख दिया है, प्रीति और शुभेच्छा के साथ, ब्योमकेश बख्शी। अब ये सुनो, निमाई बाबू और नेताई बाबू, अनादि हलदार के मकान के सामने वाले होटल के 3 मंजिले के कमरे की बात हमें पता चल गई है। आप दोनों फौरन मुझसे मिलिए, नहीं तो ये बात फौरन पुलिस तक पहुंच जाएगी। ब्योमकेश बख्शी। क्यों, कैसी लगी? कुछ बात तो है। अब इन दोनों को फौरन पोस्ट करो, और हमें जाना है दयाल हरी मजुमदार से मिलने। पता मालूम है ना?
आपका नाम दयालहरी मजुमदार है? हाँ, क्यों? अनादि हलदार गुजर गए हैं, शायद आपको मालूम होगा, उनके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अनादि बाबू? कौन अनादि बाबू? मैं किसी अनादि बाबू को नहीं जानता। नहीं जानते? लेकिन उनकी अलमारी में तो हैंड नोट मिला है, उसमें तो लिखा है कि आपने उनसे 5,000 उधार लिए हैं। किसने कहा उधार लिए? मैंने किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लिया है। अरे रुकिए रुकिए, लेकिन मैंने तो उस हैंड नोट पर आपके दस्तखत देखे। जाली दस्तखत होंगे। खैर जाने दीजिए, अब एक बात बताइए, वो शख्स जो अभी अभी यहाँ से गया, क्या वो अनादि हलदार का लड़का प्रभात था? आपसे मतलब? उस्ताद है दयाल हरी, जब सुना कि अनादि हलदार गुजर गए हैं तो ठान ली 5,000 रुपए गोल कर जाओ। मुझे लगता है कि हैंड नोट पर भी उल्टे सीधे दस्तखत कर दिए होंगे। कभी कुछ मामला हुआ कह दूंगा दस्तखत तो मेरे नहीं है। अजीत, असल मुद्दा तो ये है कि अनादि हलदार ने इसे 5,000 उधार क्यों दिए, और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। चलोगे भी? हाँ, लेकिन पता तो करना होगा। आइए। अनादि बाबू ने दयालहरी मजुमदार को 5,000 रुपए दिए हैं, आपको मालूम है? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अनादि बाबू की अलमारी में मैंने हैंड नोट देखा है, उस पर दयालहरी के दस्तखत मिले हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? जी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, ये चाबी कहाँ की आपको मालूम है? नहीं, कहाँ की चाबी है? चलो, दो चिट्ठियां हैं, एक सत्यवती की है पटना से, दूसरी रमेश मल्लिक की खजूरहाट से। ये अच्छा? पहले पढ़ो पढ़ो। क्या लिखा? आप जिस महानुभाव के बारे में जानना चाहते हैं ब्योमकेश बाबू, वह पहुंचा हुआ व्यक्ति है। किसी भी चाबी की नकल डुप्लीकेट निकालने में माहिर है। बाप ने घर से निकाल दिया है, कलकत्ता जाकर कहीं नौकरी की, वहां कैश बॉक्स की चाबी तैयार की, पकड़ा गया, फिर जेल की हवा खाई। ये 3-4 साल पहले की बात है। आप उसे कैसे पहचानते हैं पता नहीं, लेकिन होशियार रहिए। लगता है चाबी अनादि हलदार की अलमारी की है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, निर्भय ने अलमारी की चाबी बनाई, अलमारी में माल होगा, शायद उसने यही सोचा था, मौका देख रहा होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ हथियार भी लिया हो। फिर दिवाली की रात, अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए आइए। आओ आओ, बैठ बैठो। ब्योमकेश बाबू, आपने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी, बेचारे दोनों घबरा गए, दौड़े हुए मेरे पास चले आए, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ आने की। नहीं, आपको जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अनादि हलदार मकान के सामने वाले होटल में कौन आता जाता तो क्या? दोनों भाई जाते थे। वो क्या है, दोनों की शक्ल करीबन एक जैसी है ना, इसलिए होटल वाले समझ नहीं पाते कौन आया कौन गया। होटल के 3 मंजिले वाले कमरे को किराए पर लेने का मकसद क्या था? तो करीब 2 साल पहले अनादि बाबू कलकत्ते में आए, तब ये दोनों भतीजे अपने चचा से मिले।
इनके पिता गुजर चुके थे, अनादि बाबू ही इनके एकमात्र नजदीकी रिश्तेदार थे। अनादि बाबू बड़े सज्जन आदमी थे, वो भी अपने भतीजों से प्यार करने लगे। लेकिन ब्योमकेश बाबू, ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। हाँ, वो अनादि बाबू के कान भरने लगे और नतीजा ये हुआ, अनादि बाबू ने निताई निमाई को अलग कर दिया। अनादि बाबू के निताई निमाई कानूनन वारिस है, तो उन्हें डर लगा कि ये दुष्ट लोग उनके चचा को फुसला कर कहीं उनकी सारी जायदाद हथिया न ले या तो उनका खून कर दे। तब दोनों ने फैसला किया कि अपने चचा पर निगरानी रखना जरूरी है और इसलिए घर के सामने वाले होटल में एक कमरा किराए पर लिया और निगरानी रखने लगे। दोनों भाई बारी बारी से होटल में जाते और खिड़की में से दूरबीन लगाकर अनादि बाबू पर निगरानी रखते। उस रात अनादि बाबू बालकनी में खड़े आतिशबाजी देख रहे थे। 11 बजे के करीब यकायक उन्होंने अंदर मुड़कर देखा तो बंदूक की आवाज सुनाई दी। गोली निमाई के कान के पास से गुजर गई, बेचारा बाल बाल बच गया। उधर ऊपर बालकनी में अनादि बाबू गिर पड़े। घर के अंधेरे में बंदूक किसने चलाई ये भी निमाई देख नहीं सका, तो वो दौड़ता हुआ घर चला आया। फिर दोनों भाई मेरे पास आए, हम तीनों अनादि बाबू के घर पहुंचे तो आप वहां पहले से ही मौजूद थे। यही वजह थी होटल में कमरा लेने की, बस इसमें जरा भी झूठ नहीं है। देखिए, अगर निमाई नेताई निर्दोष है तो डरने की कोई बात नहीं है। सच? धन्यवाद ब्योमकेश बाबू, आज आपका बहुत वक्त बर्बाद किया हजाने के तौर पे। अरे ये क्या कर रहे हैं, मैं घूस नहीं लेता। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप, ये घूस थोड़ी है। अच्छी, आप तो अनादि बाबू की मृत्यु की छानबीन कर रहे हैं तो उसमें खर्चा तो होगा ही, वो खर्चा इन्हीं को तो देना पड़ेगा। मैं आपका और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। नमस्कार। नमस्कार। चलो चलो। नमस्कार। नमस्कार। घूस कैसे दिया जाता है आज ये भी सीख लिया। क्यों, कहानी कैसी लगी? कुछ भी नामुमकिन नहीं लगा। तुम ऐसी कहानी लिख सकते हो? लो टेलीफोन करो। अरे अब किसकी याद आ गई? विकास से बात करनी है। हेलो विकास। हाँ, आजकल क्या हो रहा है? सुनो, एक काम करना है। शिवली मजूमदार का नाम सुना है? हाँ, वो जो गाना गाती है, और उसके पिता दयाल हरी मजूमदार। हाँ, नोट करे हो ना? पता है 22/3 रामतनु लेन श्याम बाजार। हाँ, इन दोनों के बारे में सब कुछ पता करना है, खास करके ये कि अनादि हलदार और प्रभात हलदार के साथ क्या संबंध है। नहीं नहीं, एक दो दिन की बात नहीं है। हाँ, अगले हफ्ते घर पे आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा ब्योमकेश, एक बात बताओ, जब तुम समझ गए कि ये 500 रुपये घूस हैं तो क्या इन्हें लेना उचित है? तुम क्या कहना चाहते हो? अरे भाई, मान लो बाद में पता चला कि ये निमाई और निताई ही असली खूनी है, तब क्या करोगे? घूस खाकर अपना मुंह बंद कर दोगे? अरे उन्हें पकड़वा दूंगा, अनादि हलदार के खून की छानबीन के लिए तो फीस दिया है। सरकार मैं हूं। अरे बंटू, आज बिल्कुल समय पर आ गया। नमस्कार सरकार। नमस्कार बंटू। नमस्कार सरकार। नमस्कार सरकार, चंदा लेने आया। मुझे मालूम है अजीत, जरा इन्हें पैसे तो दे दो। ये लो। 10 रुपए छुट्टे नहीं होंगे सरकार। कोई बात नहीं, रख लो रख लो। सरकार, यही तो फर्क है आप में और दूसरों में। अनादि हलदार का खून हो गया है, सुना है तुमने? हाँ सुना सरकार। तुम्हें तो सब कुछ मालूम होता है, उन्हें किसने मारा कुछ बता सकते हो? अरे सरकार, कलकत्ते में लाखों लोग रहते हैं, कौन किसको मारता है कुछ पता लगता है क्या? लेकिन सरकार, वो आदमी अच्छे नहीं थे, वो हमारा चंदा अगर बंद नहीं करते तो इस तरह बेमौत मारे नहीं जाते। मैं उन्हें बचाता। अच्छा, तुम्हारे पास वो जो बंदूक थी क्या वो बिक गई? कब की? दूसरी आ गई है, होगी क्या? नहीं नहीं, तुम बंदूक तो भाड़े पर भी देते हो ना? हाँ क्यों नहीं। अच्छा क्या लेते हो? सरकार, एक दिन का 50 रुपए
और दो टूटे के साथ, और भाड़े के साथ 400 रुपया जमा, बंदूक वापस करने पे 400 रुपया वापस। अगर आपको चाहिए तो डिपॉजिट नहीं लूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रेट मालूम करना चाहता था। अच्छा, जिस रात अनादि हलदार का खून हुआ उस रात तुमने किसी को बंदूक भाड़े पर दी थी? सरकार ये मत पूछिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे धंधे का उसूल है। एक खरीदार की बात दूसरे को नहीं बताते, इससे हमारे धंधे में बरकत नहीं होती। आओ विकास, आओ। नमस्ते मुकेश बाबू। आओ बैठो। आपने 7 दिन कहा था, कुछ ज्यादा दिन लग गया। कोई बात नहीं, क्या खबर लाए हो शिवली और दयाल हरी मजुमदार के बारे में? सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि दयाल हरी मजुमदार के एक 9-10 साल का लड़का है। हाँ। मैं उसी की मास्टरी में लग गया। अरे शाबाश, फिर तो किला फतह है। शिवली अच्छी लड़की है। हाँ। बहुत अच्छा गाती है, रात दिन उसी चक्कर में लगी रहती है, सभा समिति में गाती है, रिकॉर्ड भी निकाले हैं। कुछ महीने पहले उसकी शादी होने वाली थी प्रभात से, मगर हो ना सकी। क्या वजह थी, कुछ पता चला? ठीक कह नहीं सकता, मगर मेरा ख्याल है वजह अनादि बाबू ही थे। दरअसल अनादि बाबू को यह पता लग गया था कि दयाल हरी की हालत कुछ अच्छी नहीं है। वो प्रभात की शादी भी रुपए पैसों के चक्कर में ही कर रहे थे। अनादि बाबू ने दयाल हरी को 5,000 रुपये उधार भी दिए थे। अभी 2 दिन पहले दिन में 4-5 बार प्रभात शिवली से मिलने आया था। इधर निताई निमाई नाम के 2 भाइयों ने दयाल हरी पर 5,000 रुपये का दावा ठोक दिया है। प्रभात ने यह कहा है कि वो कहीं से भी 5,000 रुपये इकट्ठा करके दयाल हरी को ला के देगा, ताकि वो निताई निमाई के उनके पैसे लौटा सके। बदले में दयाल हरी ने यह वचन दिया है कि पैसे मिलते ही वो प्रभात की शादी शिवली के साथ कर देगा। प्रभात खुश होकर चला गया। इधर एक बड़ी अजीब सी बात हुई। एक मास्टर था सदानंद, शिवली का रोज गाना सिखाने आता था। कल से सदानंद और शिवली दोनों गायब हैं। मुझे तो इसमें बुड्ढे की भी साजिश लगती है, क्योंकि आज सुबह जब मैं उसके घर पढ़ाने गया तो मैंने देखा घर का दरवाज़ा खुला है और दयाल हरी अपने लड़के के साथ 9-2-11। आप कहें तो चारों कहाँ छिपे हैं, ढूंढ के निकालूं? बाद में, फिलहाल एक काम करना है। आ जाओ, दरवाजा खुला है। प्रभात आओ, आओ आओ बैठो। दयाल हरी के खिलाफ निमा नेता ने 5,000 का दावा कर दिया। मालूम है, मालूम है। खैर वो सब जाने दीजिए, मुझे अब इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मेरा यहां मन नहीं लग रहा है, मैं यहां से जल्दी चला जाऊंगा। अरे कहां जाओगे? शायद पटना। जहां भी जाऊं कुछ ना कुछ रोजगार तो हो ही जाएगा, लेकिन अब यहां नहीं। और तुम्हारी दुकान का क्या होगा? दुकान को बेच दूंगा। अजीत बाबू, आपकी कोई पहचान के हैं जो किताबों की दुकान खरीदना चाहें? मैं सस्ते में दे दूंगा। अरे हम ही खरीद लेंगे ना, अजीत तो लेखक है, खुद जला लेगा। आप लेंगे? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप अगर लेंगे तो मुझे दुकान बेचकर भी दुख नहीं होगा। दुकान में कितने रुपयों की किताबें होंगी? करीबन 4,000 की। ठीक है, हम कल आकर सब देख दाख लेंगे, जो वाजिब कीमत होगी आपको दे देंगे, लेकिन हमें दुकान पर कब्जा इसी हफ्ते मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ ज़रूर, मैं भी तो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहता हूँ। अच्छा, वो नृपेन बाबू आपके यहाँ काम कर रहे हैं अभी? हाँ, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि मैं दुकान बेच रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि मैं दूसरी जगह नौकरी तलाश कर लूँगा। क्या आप उन्हें रखना चाहते हैं? हाँ रख सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, उन्हें आज ही मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, मैं दुकान पहुंचती हूँ, उन्हें भेज दूंगा। हाँ ठीक। अच्छा, अच्छा। अरे विकास, कल रात 12 बजे तक तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, समझे? चलो ऐसी देर।
अच्छा 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 मामला क्या है? अरे सस्ते में दुकान मिल रही है, फायदा नहीं उठाएंगे हैं? तुम्हें तो मंदे सा काम मिल रहा है, बुक स्टोर, पब्लिशिंग हाउस, आजकल किताबें लिखने से कुछ नहीं होता हैं? प्रभात बाबू ने भेजा है, सुना है आप दुकान खरीद रहे हैं? वो सब रहने दीजिए, आपकी पोल खुल चुकी है। कैसी पोल? आपके गांव के रमेश मल्लिक मेरे दोस्त हैं। अनादि हलदार की अलमारी की चाबी आपने बनाई है, उस अलमारी में काफी रुपए थे, ये आपको मालूम है वो कहाँ है? अगर मैं पुलिस को बता दूं तो आपसे जवाब तलब करेगी, तब आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, बशर्ते आप मेरा एक काम करेंगे। क्या काम? आपको मेरे लिए एक डुप्लीकेट चाबी बनवानी होगी। आइए, आपका सब हिसाब तैयार है। सब तैयार हो गए? हाँ, ये देखिए। अजीत सब कुछ देख लेना, कल 9 बजे आपको सारा रुपए दे देंगे और दुकान पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे दुकान आपकी। धन्यवाद। खास खबर? कुछ नहीं, प्रभात बाबू तो रात 9 बजे ही दुकान बंद करके चले गए थे। हाथ में कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था। कोई और आया था? नहीं, और कोई नहीं आया था। अच्छा, एक काम करो, मैं और अजीत दुकान के अंदर जा रहे हैं, तुम बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना हैं, और हमारा इंतज़ार करना, कितना वक्त लग जाए कुछ कह नहीं सकता, और अगर कोई आए दरवाज़ा खोलकर अंदर आना चाहे तो उसे आने देना, रोकना मत हैं। चारों तरफ पुलिस तैनात है, उन्हें सब मालूम है, तुम घबराना मत, यहीं रहना। चलिए। दो घंटे हो गए, इतनी रात गए अंधेरे में, इस दुकान के अंदर हम क्या कर रहे हैं जान सकता हूं मैं? चुप। थैला मुझे दीजिए। बुमकेश बाबू आप? जी हाँ, मैं और अजीत भी। थैला दीजिए मुझे, बाहर पुलिस भी है। अजीत हाँ? इसे रखो, किताबें काफी कीमती है। चलिए प्रभात बाबू। कहाँ? पुलिस स्टेशन? जी नहीं, फिलहाल तो हमारे घर जाना होगा। चलिए आइए। इन्हीं रुपयों की वजह से अनादि बाबू का खून किया तुमने? नहीं। तो फिर क्यों किया? नहीं बताना चाहते? ठीक है, मैं ही बताता हूं। शिवली से तुम्हारी शादी तोड़कर अनादि बाबू खुद ही उससे शादी करना चाहते थे, इसीलिए ना। ठीक है ना? जी, और इसी के लिए अनादि बबू ने शिवली के पिता को 5,000 रुपए दिए थे। और आपने शिवली के पिता को 5,000 रुपए दिए ताकि वो हैंड नोट का उधार चुका सके? अब आपको तो सब मालूम ही है। शिवली के पिता की जाल में फंस गए है ना, उन्होंने तो शिवली के मास्टर से भी 5,000 रुपए लिए थे। जरा खुलासा करके बताओ, मेरे तो कुछ पले नहीं पड़ रहा। बताता हूं, कहीं कोई भूल चुक हो तो सुधार देना। अच्छा ये बताओ कि उन 100 रुपए के नोटों की
कितनी किताबें जिल्द की थी तुमने? 6 किताबें थी और हर एक में 400 नोट थे। 2,40,000। लड़ाई के जमाने में अनादि बाबू ने काला बाजारी का काफी रुपए पैसा इकट्ठा किया था। समस्या ये थी कि पैसा रखते कहाँ? बैंक में रखते तो इनकम टैक्स वाले दबोच लेते, क्या करते? उन्हीं दिनों वो पटना गए थे, तभी उन्हें ये प्लान सूझा। वो समझ गए थे कि पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक ही रास्ता था, 100-100 रुपए नोटों की किताबों में रखना। पटना में जाकर उन्होंने जिल्दसाज का पता लगाया, वहां पर प्रभात से जा मिले। लेकिन एक नौजवान बंगाली जिल्दसाज उन्हें पटना में मिलेगा इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। प्रभात को उन्होंने अपना मकसद समझाया, एहतियातन उसे गोद भी लिया। लेकिन गोद लेने की असली वजह क्या थी? इतना बड़ा राज जानने वाला अगर उनकी आंखों के सामने होता तो अच्छा होता ना। फिर सब कलकत्ते चले गए। वहां पर उन्होंने जाकर ये जो नोटों की किताबें थी, रामायण महाभारत ऐसी किताबों के साथ मिलाकर किताबें अलमारी में रख दी। कोई शक भी नहीं करेगा, राज जानने वाले थे सिर्फ 2, अनादि बाबू और प्रभात। अब अनादि बाबू के घर 2 आदमी रहते थे, किष्टु बाबू और नृपेन। नृपेन तो नकली चाबी बनाने में माहिर था, सो उसने अलमारी की नकली चाबी डुप्लीकेट चाबी बनाकर अपने पास रख ली। जब कभी उसे मौका मिलता तो अलमारी खोलकर रुपए निकाल लिया करता था। लेकिन खून के दिन पुलिस के डर से उसने वो जो चाबी थी वो खिड़की से बाहर फेंक दी और वही चाबी हमारे हाथ लगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अनादि बाबू के 2 भतीजे थे, निमायने थे। जब उन्हें पता चला कि उनका रईस चाचा कलकत्ते आ गया है, उनका वहां आना जाना शुरू हो गया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बात यहां पर अटकी जब शूली मजुमदार इनकी जिंदगी में आई। प्रभात शूली से प्रेम करने लगा, बात शादी तक पहुंच गई। जब अनादि बाबू शूली के घर उसका रिश्ता तय करने के लिए गए तो वो मुक्त हो गए और उनकी नीयत खराब हो गई। वो चाहते थे कि वो खुद ही शूली मजुमदार से शादी करें। दयाल हरि मजुमदार ने इस मौके का फायदा उठाया, सोचा कि भाई रुपए बनाने का यही एक मौका है। तो बात 5,000 पर पक्की हो गई और ये फैसला कर लिया कि जब शूली मजुमदार की शादी अनादि बाबू से हो जाएगी तो वो 5,000 का हैंड नोट जो है वो फाड़ दिया जाएगा। प्रभात को पता चला कि उसकी शादी टूट गई है, लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि शादी तोड़ने वाला और शूली से शादी करने वाला और कोई नहीं बल्कि अनादि हलदार है, तो वो बौखला उठा। फिर दिवाली की रात अनादि बाबू का खून हो गया। उस रात करीब 11 बजे घर पर कोई नहीं था सिवाय अनादि बाबू के। भीतर से दरवाजा बंद था, लेकिन अनादि बाबू हमेशा छत का दरवाजा खुला रखते थे। उस रात खूनी ने बंटू से भाड़े पर एक बंदूक, सामने मकान बन रहा था उसकी छत पर गया, तख्ता लगाकर अनादि हलदार की छत पर पहुंचा। Thank you.
ना खुदाई मिला ना विसाले सनम। तब आपने फैसला किया कि कलकत्ता छोड़कर जाएंगे, दुकान बेचने की बात की। मैंने सोचा यही मौका है, कहाँ मैं हजारों किताबों में रुपयों की किताब ढूंढूंगा, पुलिस से तहकीकात करवाऊंगा। लेकिन मुझे यकीन था कि आप कलकत्ता छोड़ने से पहले रुपए लेने जरूर आएंगे। और फिर आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैं दोषी हूं, मुझे इसकी जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझसे भी ज्यादा गुनहगार अनादि बाबू अब नहीं रहे, और इसलिए मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। अब आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, ये जो रुपए है वहां दे दीजिए, अपना जुर्म कबूल कीजिए और जुर्म करने की वजह बताइए। मैं आपके साथ रहूंगा, जो उचित है वही होगा। अगर सजा काटने के बाद आप वापस आ गए, आपकी दुकान आपकी ही रहेगी, आपके काम आएगी।